को 9 टाइम्स जब करें तो हमारे पास क्या आता है 81। तो हम 9 इटसेल्फ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, दो दफ़ा, तो हम कह देंगे 9 की पावर क्या आ जाएगी 2। इसके बाद -625, ठीक है, 625 को एलसीएम ले लें तो आपको पता चल जाएगा 5 × 5 × 5 माइनस तो बाहर है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, -5 पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 1/1000, 1/1000 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/10 × 10 × 10, ठीक है। तो 1000 में हम कितने 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 3, ठीक है, अलग कर लें 1/10 × 1/10 × 1/10। अब 1/10 इटसेल्फ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा, तो 1/10 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8/3 43। अब 8 कैल्शियम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, और 343 कैल्शियम लें तो आ जाएगा हमारे पास 7 × 7 × 7, ये बाय 2/7 लिख लें, फिर ये 2/7 लिख लें और ये 2/7 लिख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/7 की पावर 3। कि दूसरा तरीका ये है लिखने का कि 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, 7 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, दोनों की पावर 3 है, तो हम 2/7 को इकट्ठा लिखिए और ये पावर एक्सपोनेंट हमारे पास एक दफ़ा लिखी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है -1/32, -1/32 में हमारे पास कितने 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं 5, ठीक है, तो -1 × 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास।